आज थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मूड है, तो मैंने यहाँ पे 300 से 400 ग्राम ये शिमला मिर्च ले लिया है, चार नंग बड़े बड़े, और इसको इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चार टमाटर मीडियम साइज के मैंने बॉईल कर लिए हैं, इसके छिलके निकाल देंगे। टमाटर की स्किन निकालने के बाद इसकी हम एक फाइन प्यूरी बना लेंगे। ये प्यूरी बन के तैयार है। टमाटर को बॉईल करके डाल दे ताकि इसका जो खट्टापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी शिमला मिर्च भी थोड़ा सा खट्टा मीठा रहता है। अब यहाँ पे हमने एक फ्राइंग पैन ली है, इसमें 2 चम्मच 1.5 टीस्पून हम लेंगे बेसन, और बेसन को कलर चेंज होने तक भून लेंगे, एक कच्चापन निकल जाए तब तक। बेसन से खुशबू भी छूटने लगी है, पूरी तरह से इसका कलर भी टर्न हो चुका है। तुरंत गैस बंद करके इसको फटाक से दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। एक कदम और आगे चलते हैं। एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो संभल के हमारे ये शिमला मिर्च जो हमने कट करके रखे थे इसमें डाल देंगे। मिक्स करके इसको सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, इससे ज्यादा फ्राई ना करें, अदरवाइज बिल्कुल ही वो मसी हो जाएंगे, खाने में मजा नहीं आएगा। तो 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। और एक टिप से अगर आपको करना है तो ठीक है, अगर टिप से थोड़ा सा हमने ये चीनी शुगर लिया है इसके ऊपर डाल दें, मिठास तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इसका कलर जो है आप देख सकते हैं तुरंत ही एकदम ग्रीन हो जाएगा, अच्छा खीर के कलर आएगा। कभी भी करी में आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, करी का कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट और खीर का आ जाएगा। 2 मिनट का वक्त हो चुका है, यहाँ का गैस सबसे पहले बंद कर देंगे और शिमला मिर्च को निकाल लेंगे। शिमला मिर्च निकालने के बाद अब आपकी जितनी मर्जी है, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून आप कुकिंग ऑयल लें और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, काली मिर्च, लौंग, सिनेमोन स्टिक, स्टार अनाइस, और 20-25 सेकेंड के बाद आधा चम्मच डालेंगे जीरा, और अब डालेंगे चुटकी भर हींग, ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तुरंत 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक काटे थे ये इसमें डाल देंगे और मिक्स करना है इसको अच्छे से। और अब प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर पूरा चेंज हो चुका है, तो अब 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 25-30 सेकेंड इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 25-30 सेकेंड के बाद ये गई हमारी टमाटर की प्यूरी, 1 टीस्पून गया कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा चम्मच ले लिया हमने जीरा पाउडर, चुटकी भर डाल दी हमने हल्दी, मिक्स कर लेंगे इसको। और अब ग्रेवी को ढक के फ्लेम को मीडियम करके 5-6 मिनट अच्छे से पकने देंगे। ग्रेवी जितनी पकाएंगे टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। 5-6 मिनट के बाद अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे दही, ये फेटा हुआ दही है, दही हमेशा फेट के ही डालिए, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है फटने का, बाकी दही तो आप डालेंगे ग्रेवी में तो फटना ही फटना है। ये डाला हमारा बेसन, पूरा बेसन नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, 2 टीस्पून, ये अच्छे से मिक्स करके चलाना है। और 2 मिनट दही और बेसन को भी मसालों में हम पकने देंगे, और 2 से 2.5 मिनट
कुक करने के बाद वापस मुझे लगता है इसको और 2 मिनट ग्रेवी को हम और कुक कर लेंगे, ताकि टेस्ट जो बढ़िया सा आता है भुनने का, जो ग्रेवी भुनने का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो हम 2 मिनट वापस इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे और 2 मिनट के बाद आधा ग्लास पानी अब हम इसमें ऐड करेंगे। आधा ग्लास से ज़्यादा पानी आप ऐड ना करें। अगर आपको ग्रेवी बिल्कुल पतली रखनी है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट ग्रेवी को वापस हम पकने देंगे। तीन मिनट के बाद अब ऐड करेंगे हमारा शिमला मिर्च, चुटकी भर गरम मसाला, कर दिया मिक्स। 3 मिनट फ्लेम को मीडियम करके शिमला मिर्च को भी ग्रेवी में हम कुक कर लेंगे। 3 मिनट का वक्त हो चुका है दोस्तों। देखिए ग्रेवी का कलर बिल्कुल डार्क रेड, एकदम रेस्टोरेंट जैसा है। मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन पे कलर कैसा आता है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो कलर है एकदम डार्क रेड हो चुका है। रेस्टोरेंट से बढ़िया खिला खुला हुआ कलर, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ता। यहाँ का गैस कर देंगे बंद। टेस्टी लाजवाब शिमला मिर्च की सब्जी बनाना बिल्कुल आसान, क्विक, फटाफट। मेहमान आ जाए तो फटाफट ये वाली रेस्टोरेंट डिश बनाइए, रेस्टोरेंट वाला खाने का मूड करे तो ये आसानी से डिश बन सकती है। टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला ही मिलेगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। जिसको शिमला मिर्च की रेसिपी पसंद ना हो, इसको एक बार ये रेसिपी खिला दे, जिंदगी भर वो शिमला मिर्च के अलावा कोई सब्जी ही नहीं खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो, आपके दिल को टच किया हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।